जाने दो मुझे, छोड़ दो। चुप। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चिल्ला कह रही है। अभी कुछ किए कहाँ है, जब कुछ करेंगे तब चिल्लाना। किस बात के लिए रुक रहे हो, कार्यक्रम शुरू करते हैं। रुको जरा, सब्र रखो, इतनी जल्दी क्यों है। लड़की को होश में 2 मिनट हुआ नहीं कि चीर फाड़ करो चीर फाड़ करो। भैया जी को आ जाने दो। लो भैया जी भी आ गए, मिटा लो अपनी खुजली। कहाँ रह गए यार, अभी तक मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? काबे कब तक करोगी? हमें तो लगा मर गई थी साले, लेकिन फिर भी करने मजा आ रहा था। बताओ भला कैसा कलयुग है। राम 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 राम। पांडे, लड़की भी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाहर जाके देखता हूं। ओके सर। कोई जानता है क्या इस लड़की को? नहीं साहब। आज से पहले किसी ने देखा है उसको? नहीं साहब, हम तो रोज की तरह अपने खेतों के कामों से बाहर जा रहे थे, अचानक हमने इस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी और हम यहाँ आकर देखे, फिर हम आपको फोन कर दिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते माई बाप। ठीक है, देखो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और हम भी। नमस्कार सर, हम हैं जागो इंडिया से रवि भास्कर। हमने पूछा? अरे नहीं सरकार, हमने सोचा आप पूछे उससे पहले हम खुद बता दें आपको। अरे सर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस केस को हम रफा दफा कर देंगे। आपके ऊपर या आपकी पार्टी के ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा। जागो इंडिया से रवि भास्कर। सर सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन उस लड़की को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। देखो सर, तुम ज्यादा सीरियसली मत लो इस केस को। मेरी नेताजी से बात हो गई है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सर अगर प्रशासन इस तरह ढीला पड़ेगा
तो आम जनता का विश्वास उठ जाएगा हमारे ऊपर से। श्याम, हम तुम्हारे सीनियर है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, ओके? तुम अपना काम करो। ओके सर। ये कौन है जो फोटो ले रहा है? सर कोई रिपोर्टर है रवि भास्कर करके, बहुत ओवर स्मार्ट है। जाओ उसका कैमरा ले लो और सारी फोटो डिलीट कर दो। माफ कीजिएगा सर, हमें तो आप शक्ल से काफी ईमानदार और होनहार लग रहे थे, लेकिन आप भी पुलिस की वर्दी में छिपे हुए भेड़िया निकले। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम एक ईमानदार पुलिस वाले हैं और हमें हमारी ड्यूटी कैसे निभानी है ये मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद तुम नहीं जानते कि इन्वेस्टिगेशन एरिया की फोटो लीक करना भी एक क्राइम है। एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करना क्राइम नहीं है सर? जब वो बेचारी मासूम लड़की अपने परिजनों को चीख चीख कर पुकार रही होगी, तब उसकी चीख का गला घोट देना क्राइम नहीं है सर? ये सब काम पुलिस का है तो हमें करने दो, और अगर अब तुम चुप नहीं बैठे तो तुम्हें उठाकर लॉकअप में डाल दूंगा। हमें उम्मीद है कि आप उन लोगों को पकड़ लेंगे, लेकिन हम भी उनके गुनहगारों को पब्लिक के सामने ला के रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। रवि भास्कर, जागो इंडिया से। सर आपके शहर में कल बलात्कार हुआ, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये बहुत ही दुखद घटना है और हम इस घटना का घोर निंदा करते हैं। नेताजी, वारदात को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अभी तक लड़की के घरवालों का पता तक नहीं लगा पाया, तो बलात्कारी को कैसे पकड़ोगे आप? देखो, हमारी पुलिस जी जान से उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन इसमें गलती लड़की की भी है। उसको ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बच्चे नौजवान हैं, गर्म खून है, गलती हो जाती है, लेकिन हम इस गलती की उन्हें जरूर सजा दिलवाएंगे। हमारी पार्टी इस काम के लिए हमेशा तत्पर है। मतलब नेताजी, आप ये कहना चाहते हैं कि जो बलात्कार हुआ उसमें उस मासूम लड़की की गलती है, उसने उन दरिंदों को कहा होगा कि आओ और मुझे नोचो। अबे ओ रिपोर्टर, अपने हाथ में रहकर सवाल कर, नेताजी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अरे रवि, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो भाई एक पत्रकार है, उसे आजादी है सवाल करने की। चलो भाइयों, अब हम निकलते हैं, हमें और भी बहुत काम है। माँ, आजकल हमारे शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया है। हाँ बेटा। भैया, मेरी दोस्त आ रही है, मैं डांस क्लासेस जा रही हूँ। ओके ठीक है, लेकिन संभाल के जाना। जिसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो उसको कैसा डर। खुशी, भैया सुमन आ गई है, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ। और क्या, कराटे चैंपियन आज भाई को साथ लेके आई? अरे हाँ, भैया काम से निकल रहे थे तो सोचे तुमको भी वहां छोड़ के आ जाता हूँ। उस हरामखोर
दो कोड़ी के रिपोर्टर ने सारी मीडिया के सामने हमारी धोती खोल दी और तुमने कुछ नहीं किया। मालिक, हम उसको रिमांड में लेने ही वाले थे लेकिन आप ही रोक लिए। अरे इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं हम, रिपोर्टेशन देखनी चाहिए। लेकिन तुम हमारे पालतू कुत्ते हो ना, साले मार देते, बाकी हम संभाल लेते। माफ कर दीजिए मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है जोशी, अभी मीडिया बहुत गर्मानी है, किसी भी तरह इस केस का निकाला लाओ। नेताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इस केस की फाइल और रिपोर्ट हमने ऐसी तैयार की है कि ये रेप कम और सुसाइड ज्यादा लगेगा। सर देखो भैया, ये है इंडिया, यहां सब लोग बस दो तीन दिन का शोक व्यक्त करेंगे, वो भी सोशल मीडिया पर, उसके बाद अपने अपने काम पर लग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और हां जोशी, इस केस की फाइल खोलना कुछ महीनों बाद, इलेक्शन आने वाला है और हम चाहते हैं इस देश के आरोपियों को पकड़वा कर फिर से जनता के हीरो बन जाए। लेकिन सर पकड़ेंगे कैसे? अरे किसी भी क्रिमिनल को उठा के डाल दो, यहां क्रिमिनल की कमी है क्या? सुमन तू भी चलना आज मेरे डांस क्लासेस, मजा आएगा, एंजॉय करें। नहीं यार सॉरी, मुझे सेल्फ डिफेंस चैंपियन बनना है, मुझे डांस म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा बाबा ठीक है, ले पानी पूरी तो खा। क्या आजकल बहुत नाटक हो गया है तेरा? राघव हाथ छोड़ो मेरा वरना मैं चिल्ला दूंगी। तो चिल्ला ना, चिल्ला चिल्ला, मैं भी तो देखूं कैसे चीखती। चिल्ला चिल्ला। खुशी क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? यार ये राघव अपने आप को समझता क्या है, आज उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरा हाथ पकड़ने की? यार तूने उसके हाथ पांव तोड़ नहीं दिए। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तेरी तरह ब्लैंक बैंड चैंपियन थोड़ी ना हूँ कि लड़कों के हाथ पैर तोड़ के आऊँ। इसीलिए मैं तेरे को बोल रही हूँ, डांस म्यूजिक में कुछ नहीं रखा यार, मेरी तरह कराटे चैंपियन बन जा, आजा चल मैं तेरे को सिखाती हूँ। क्या हुआ भैया, ऐसे चले हुए भुट्टे की तरह क्यों बैठे हो? कुछ नहीं रवि, वो साली अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है, सबक सिखाना पड़ेगा उसको। कौन ऐश्वर्या राय समझती है और किसको सबक सिखाना पड़ेगा? इस थप्पड़ का हिसाब उसे चुकाना पड़ेगा। सुनो राघव भैया, तुम नेता झांसाराम पाटिल के छोटे भाई हो, तुम पर ये नाच गाना शोभा नहीं देता।
और हाँ, इलेक्शन का समय भी नजदीक आने वाला है, तो ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। हेलो राघव भैया, पर ध्यान रखना, गरम खून है, कहीं उबाल ना मारते। हाय सुमन। हाय खुशी। श्याम भैया, ये है सुमन के भैया रवि भास्कर। रवि, ये है खुशी के भैया श्याम। खुशी, तुम एक काम करो, तुम सुमन के साथ चली जाओ, मुझे सुमन के भैया से कुछ काम है। ठीक है। और रिपोर्टर साहब, कहां तक पहुंची आपकी खबर? बस इंस्पेक्टर साहब, पुलिस से 2 कदम आगे हैं। मेरे यहां तो सिस्टम ने बांध रखे हैं, नहीं तो मैं अपने देश से सारे रिपोर्टों को जड़ से सफाया कर दूं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर, लेकिन कितनों को मारेंगे आप जानते हैं? हमारे देश में हर साल 1 लाख में से 30,000 लड़कियों का बलात्कार होता है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा लड़कियां तो 18 वर्ष से भी कम होती हैं। और ये तो वो आंकड़े हैं जो इंटरनेट या मार्केट में आते हैं। न जाने कितने केसेस ऐसे हैं जिनके घर वाले किसी वजह से पुलिस में कंप्लेन तक नहीं दर्ज करवाते। यार हमारा सिस्टम ही खराब है, कहने को तो मैं पुलिस वाला हूं लेकिन क्या फायदा? अगर बलात्कारियों को पकड़ भी लिया तो उन्हें जिला न्यायालय में पेश करो, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर कहीं कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट। इन समय लगभग 10-12 साल निकल जाते हैं और तब तक तो हमारा तबादला भी हो जाता है। हाँ सर, अब समय आ गया, हमारे देश के प्रशासन को थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि लाखों फॉइल पुलिस स्टेशन में पड़े पड़े रद्दी बन जाती हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। अब हमारे देश के सिस्टम और हमारे देश के लोगों को थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, हमारे देश के प्रशासन को थोड़ा बदलना पड़ेगा, देश के नेताओं को थोड़ा बदलना पड़ेगा, देश के लोगों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, तभी ये बलात्कार कम हो पाएंगे सर। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। नमस्कार माता जी। नमस्कार सर। बस कीजिए राघव भैया, और कितना पियोगे आप? उस लड़की ने पहले ही हमारा होश खो दिया है, अब होश ना करके क्या कर लेंगे हम?
रवि यार, वो लड़के लाकर मुझे दे दे भाई, वो लड़के लाकर मुझे दे दे खुशी मैं भी सोच रही हूँ कराटे क्लास ज्वाइन कर लूँ तेरी तरह। वाओ, अच्छा है। अरे ये तो दो है। पकड़ पकड़। चल। चल ले जा रहे हो उसको। हाँ? नहीं, छोड़। खुशी, खुशी भैया को छोड़। खुशी, छोड़, छोड़ो। भैया जी, खुशी गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। अबे यार, किसको डाले तुम लोग? ये खुशी नहीं, उसकी दोस्त सुमन है। सॉरी भैया जी, लेकिन जो भी हो, है तो लड़की ही, और हम भी बहुत दिनों से शिकार पर नहीं गए, अब हमारी बारी। अरे हाँ भाई, तुम्हें भी मौका मिलेगा। अरे लाइट किसने बंद कर दी? अरे भैया जी, भैया जी बचाइए, ये मार देगी हमको। बचाइए भैया जी, भैया जी बचा लीजिए प्लीज। श्याम, गिरफ्तार कर लो सुमन को, इसने इन लोगों का खून किया है। सॉरी सर, आज मैं आपके कानून को फॉलो नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। श्याम, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं दरोगा। हमारे देश के कानून में भी यही लिखा है कि अगर लड़की अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी को मारे तो उसे क्राइम नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, और मेरी बहन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम्हारे भाई को मारा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे देश की बेटियों को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह बाप और भैया साथ में नहीं होंगे। मेरे भैया ने मुझे बचपन से सिखाया है कि अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कई सालों से ट्रेनिंग ले रही हूँ। राघव जैसे लड़कों से तो मैं अकेले नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये लोग लड़की को एक सामान समझते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि जितना दर्द हम झेलते हैं उतना इनके बस की बात नहीं। आप जैसे कुछ बुद्धिजीवियों को लगता है कि गलती लड़की की होगी, इसी कारण हम लड़कियों को दिन रात सहम कर डर कर रहना पड़ता है कि कहीं वो जो तब से घूर रहा है कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा। सर, भीड़ में कोई भी मर्द जब चाहे जहाँ चाहे हमें छू सकता है, क्योंकि जब लड़कियां पब्लिक प्लेस में होती हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। हर बार बताते हैं ना कि लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे जब हर महीने आपके शरीर से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा, पैर फूल जाएंगे ना, तब पता चलेगा। इसलिए मैं आज सारी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर में जाकर इतने सारे रुपए वेस्ट करने से अच्छा है कुछ रुपए में जिम या मार्शल आर्ट सीख लूं, क्योंकि अब ब्यूटीफुल के साथ साथ पावरफुल बनने का समय भी आ गया है।